गर्मियों में छाछ तो हम डेली पीते हैं, बट वही एक जैसा छाछ पी के हम बोर हो जाते हैं ना डेली, तो इसलिए मैं आज लेकर आई हूँ एक डिफरेंट टाइप का छाछ जिसको मसाला छाछ भी बोलते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, तो मेरा जो तरीका है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। सो गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और समर स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, मसाला छाछ, जो कि गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। आप इसे इवनिंग, मॉर्निंग या लंच के साथ, डिनर के साथ कभी भी आप इसे पी सकते हो, और ये बहुत ही यम्मी रहता है और हेल्दी भी होता है। मैंने इसमें बेसिक सा इंग्रेडिएंट यूज़ किया जो कि ईजिली हर किचन में मिल जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। सो गाइस, मसाला छाछ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच फ्रेश मिंट लीव्स ले रखा है, जिसको कि हम पुदीना का पत्ता भी बोलते हैं, और उतनी क्वांटिटी में हमें हरा धनिया भी चाहिए होगा, से दोनों की क्वांटिटी सेम ही रखनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 छोटी सी हरी मिर्च डाल रखी है, फिर यहाँ पे मैं 2-4 काली मिर्च को हल्का सा क्रश करके वो भी डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालो, नहीं तो आप नहीं भी डाल सकते हो। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला मैं डाल दूँगी। फिर यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा छाछ को डाल के इसको अच्छे से पेस्ट बना लेना है, हमें बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर यूज़ किया है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि छाछ हमारी बॉडी के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, हमारी बॉडी की जो पाचन तंत्र होती है उसको भी बेहतर बनाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम से राहत देता है, हमारी बॉडी में जो पानी की कमी होती है ना उसको भी पूरा करता है, जो हमारे बोन्स होते हैं ना उनको भी काफ़ी मजबूती मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेस्ट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको छान रही हूँ, आप अगर ऐसे ही डायरेक्ट आपको अच्छा लगता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो या बिना छाने इसको यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे छान रही हूँ। अब इसके बाद मैंने जो बाकी के छाछ है उसको ऐड कर दूँगी और थोड़े से मसाले इसमें और ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो छाछ मैंने ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे मैं सादा नमक डाल रही हूँ जो रेगुलर हम खाने में यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप रेगुलर नमक और काला नमक भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये हमारा छाछ बन के बिल्कुल रेडी है। जैसे हम मसालेदार खाना खाते हैं ना, तो उसके बाद हमें छाछ ज़रूर पीना चाहिए, इससे हमारे बॉडी में मसालों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप डेली मसालेदार खाना खाओ। तो यहाँ पे मैं सर्व करने से पहले थोड़े से आइस क्यूब डाल देती हूँ ताकि और भी चिल्ड और ठंडा हो जाए, फिर इसको हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो आप इसे डेली मॉर्निंग में खाना, दिन में खाना खाने के बाद, रात में खाना खाने के बाद आप इसे ज़रूर पिए, बहुत ही यम्मी लगता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी मसाला छाछ वाली रेसिपी? आई होप अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और लाइक करना, शेयर करना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।